बहुत ही अच्छा सा उपटन है, इन काइंड ऑफ उपटन ही आप इसको यूज कर सकते हैं, उपटन है और बहुत ही जबरदस्त सी ब्यूटी टिप है, बहुत ही आसान है, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी ब्यूटी को एनहेंस कर सकते हैं, आप अपना कलर फेयर कर सकते हैं, आपकी स्किन पर जो भी दाग धब्बे थे, स्पॉट्स थे, स्कार्स थे, वो सब खत्म हो जाएंगे, जो भी कील मुहासे हैं वो सब निकल जाएंगे, आप इन सब से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। और बहुत ही आसान सी चीजें हैं इसमें यूज होने वाली, जो कि आपको डेली रूटीन में अपने किचन में मिल जाती हैं, उनको आप इस्तेमाल करके ये बहुत ही अच्छा सा इन काइंड ऑफ उपटन इसको आप बना सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करके आप रातों रात अपना चेहरा खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी खूबसूरती को निखार सकते हैं, अपनी जिल्द को, अपने रंग को निखार सकते हैं और अपनी स्किन को हेल्दी और शाइनी बना सकते हैं। क्योंकि आजकल का जो दौर है तो इसमें हर लड़की और हर आजकल तो मर्दों में भी ये चीज कॉमन है कि वो अपना रंग गोरा करना चाहते हैं, फेयर करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही आजमूदा टिप है, इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होगा। सो फ्रेंड, चलते हैं अपनी इस टिप की तरफ। तो इस टिप को बनाने के लिए और आपको जो चीजें जरूरत होंगी वो ये है। आपने क्या करना है कि आपने लेनी है मसूर की दाल 100 ग्राम और मूली के बीज आपने लेने हैं और उनका आपने चूरन बना लेना है। अगर आपको चूरन अवेलेबल है मूली के बीज का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप मूली के बीज घर पे लाकर आप खुद उनको पीस कर उनका चूरन बना सकते हैं, यानी कि उनका सरफूफ बना सकते हैं। ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो मूली के बीज का चूरन 50 ग्राम आपने लेना है और हल्दी और संतरे का चूरन आपने लेना है। हल्दी लेनी है चुटकी बराबर और संतरे के छिलके का आपने चूरन लेना है। ये भी आपने इस तरह करना है कि सर्दियों का सीजन जब आता है तो आपने संतरे छीले, उनको आपने धूप में सुखा लिया और उसके बाद आपने उनको पीस लेना है, ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है, तो उनका वो सुसूफ सा बन जाएगा, उसका वो चूरन सा बन जाएगा। अब आपने इन सब चीजों को मिलाकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। आप मूली और संतरे का बीज जो है वो मिक्स करके रख लें, तो जितना भी आपको चाहिए आप उतना इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपको अंदाजा हो सकता है कि आपके फेस पे कितनी सारी पेस्ट बनी हुई आप यूज कर सकते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं कि आप एक एक टेबलस्पून या एक एक टीस्पून इन सब चीजों का ले लें, तो उसको इस्तेमाल कर लें। इन सब चीजों का आपने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और रात को आपने क्या करना है कि रात को सोते वक्त इसको अपने चेहरे पर लगाना है और उसमें आपने कच्चा दूध मिला लेना है। कच्चा दूध मिलाना है क्योंकि कच्चे दूध में ऐसी खूबियां मौजूद होती हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी करती हैं, आपका कलर फेयर करती हैं और आपकी स्किन को एक प्रॉपर डाइट और प्रोटीन देती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्किन के लिए चाहिए होता है। तो आपने ये मिलाकर दूध इसमें रख देना है, ठीक है, रख देना है और सुबह आपने इसको फिर उपटन के तौर पर इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने ये पेस्ट बनाकर रात को आपने रख देनी है, इसमें कच्चा दूध वगैरह मिला के सब अच्छी तरह से पेस्ट बना के आपने रात को रख दी और सुबह आपने इसको अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना है। 20 मिनट के लिए आपने लगा रहने देना है, उसके बाद आप अपना चेहरा नॉर्मल वाटर से धो लें या किसी भी अच्छे फेस वॉश से धो लें। वैसे मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि जब आप इस टाइप के मास्क या उपटन या कोई भी चीज आप लगाते हैं तो फौरन से आप अपना चेहरा किसी भी फेस वॉश या सोप से मत धोएं। आप तकरीबन घंटे दो घंटे बाद सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नॉर्मल ठंडे पानी से या नीम गर्म पानी से अपना कोई भी मास्क उतार सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपकी कील मुहासे, दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे, आपकी रंगत निखर जाएगी और आपकी स्किन कुछ ही दिनों में साफ सुथरी, चमकदार और गोरी हो जाएगी। और सब आपसे पूछेंगे कि आपने शायद कोई फेशियल करवाया है जिससे आपकी स्किन इतनी निखर गई है, तो वो आपसे इसका राज जरूर पूछेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और सस्ती सी टिप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए जरूर ये मददगार साबित होगी और आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि आपको ये टिप कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिए गए बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब वाले बटन को, और फिर जैसे ही मेरे चैनल से न्यू वीडियो अपलोड होंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप न्यू टिप से आगाही हासिल करते रहेंगे, आप न्यू चीजों से अपडेट होते रहेंगे और अपनी स्किन केयर, अपनी ब्यूटी की केयर, अपनी हेल्थ की केयर, अपनी बालों की केयर, आप अपनी जात से रिलेटेड हर इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए
इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती।